बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब आपका. आज का जो एक अहम क्वेश्चन है वो रेजिडेंशियल स्कूल के लिए है, जो पिछले 5 साल के अंदर बेशक तेलंगाना गवर्नमेंट ने टोटल 602 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया है, जिसके अंदर एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के ये सब है. माइनॉरिटीज़ के स्कूल के अंदर जुमला 204 स्कूल है, जिसमें 46,912 स्ट्रेंथ है. अच्छी बात है साहब, मगर मेन जो मसला आ रहा है इसके अंदर वो ये है, जैसा फर्ज करिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली आती है, नामपल्ली के स्कूल्स है कहीं बाहर खुल रहे हैं, ऐसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे जैसा फर्ज करिए कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्टेंस के ऊपर खुल रहे हैं. और एक अहम बात यह है कि ये स्कूल्स का स्टैंडर्ड अच्छा है, मगर और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और स्कूल्स ओपन करने की ज़रूरत है साहब. जैसा अभी आने वाला एकेडमिक ईयर का एडमिशन अभी तक भी नहीं हुआ सर, इसके फॉर्म्स लेना चाहिए, एडमिशन के लिए आगे करना चाहिए साहब. और एक चीज़ है साहब, स्कूल्स अच्छे, स्कूल्स के बच्चों के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है सर, नियर बाय जो भी प्लेग्राउंड्स होते हैं उस प्लेग्राउंड के अंदर बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स आज की तारीख में जरूरी हो गया साहब, उसके ऊपर भी अहमियत देना चाहिए साहब. और एक चीज, जिस वक्त रेजिडेंशियल स्कूल्स खुले थे साहब, कुछ स्टाफ को आउटसोर्सिंग पे लिया गया था, जैसे ही आउटसोर्सिंग का स्टाफ था उन लोगों की उम्मीद बन गई थी कि रेजिडेंशियल स्कूल में हमको नौकरी मिली है, शायद हम इसको अच्छी सर्विस भी दे सकेंगे, चाहे वो टीचर्स हो या वार्डन हो या और कोई भी जॉब्स के लोग हो सर. मगर इत्तेफाक से जैसे ही परमानेंट स्टाफ को आना शुरू किया, उसको आहिस्ता आहिस्ता दूर किया गया सर. इसके अलावा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जो देख रहे हैं इंचार्ज, बेशक उन्हों बहुत अच्छा देख रहे हैं, खास बात यह है कि रिस्पॉन्स भी करते हैं सर, मगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको स्कूल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है. आज लोग माशी बौरानी में है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सक रहे हैं सर. तो ऐसी सिचुएशन में आपके जरिए से मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आने वाले टाइम के अंदर स्कूल्स को बढ़ाइए सर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिनिमम 4-4 स्कूल दीजिए सर, 2 बॉयज 2 गर्ल्स दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया.